अब आपके सामने खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह अजीज फाजले नौजवान हजरत मौलाना हंजला मुहम्मदी साहेब आफ गुजरांवाला। कुन फिल मुल्क वलम यकुल लहु वलियुम मिन अज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मद وبارك وسلم ثم صل عليه। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما زل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى। حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اللہ واسطے ہے जो कुल कायनात दा बादशाह बेटियां देने वाला बेटी देने वाला इज्जत देने वाला जिल्लत देने वाला बल्कि हर काम करने वाला कौन है। सारे बोलो जिन्हां दे काम अल्लाह करदा है हर काम करने वाला कौन है। अल्लाह दुरूद ओ सलाम आकाए दो जहां अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी पाक ने उस बंदे ते लानत भेजी फरमाया जेड़ा मेरा नाम सुन के दरूद नहीं पढ़ता। जरा मस्जिद अंदर गूंज पै जाए जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हजरात जेड़ी आयत करीमा मैं तिलावत की थी फरमाया इन हुआ इल्ला वहयुहा। अल्लाह कहते ने कि मेरा नबी उदो बोलता है जो मैं रब बुलावा जो मैं रब खुद बुलावा। हजरात मैं कहना एक बात करके मैं अपनी बात का आगाज करा कि इमाम अहमद बिन हम्बल उन्होंने मनण वाला उन्होंने बारे ये बात नहीं कर सकता। इमाम शाफी रहमतुल्ला अलैह उन्होंने मनण वाला उन्होंने बारे ये बात नहीं कर सकता। इमाम मालिक रहमतुल्ला अलैह उन्होंने मनण वाला उन्होंने बारे ये बात नहीं कर सकता। कोई पीर उनका मुरीद अपने पीर के बारे कोई बेटा अपने बाप के बारे माँ के बारे कोई इमाम अपने मुक्तदी के बारे मुक्तदी इमाम के बारे कोई मुक्तदी अपने खतीब के बारे कोई भी किसी के बारे ये गल नहीं कर सकता। ये दावा ये बात नहीं कर सकता। वह गल केड़ी है वह गल ए वे कि जिन्हों असा अपना पीर मनिया साढ़े पीर ने अपनी सारी जिंदगी कदी भी झूठ बोलो की गल नींद आई जे हाथ खड़े करो हाँ जेड़े जेड़े सुते ने साढ़े पीर ने सारी जिंदगी कदी भी झूठ नहीं बोलिया। कोई भी किसी के बारे ये बात नहीं कर सकता। ये असी फखर ना करने सानू फखर है कि साडा पीर होए जिन्हें कदी भी झूठ नहीं बोलिया। बस यो मेरा अज का मौजू है। हर बंदा अपनी मर्जी नाल बोलता इमाम बोले अपनी मर्जी नाल बोलता कोई खतीब बोले अपनी मर्जी नाल बोलता लेकिन नबी पाक अल्लाह की मर्जी नाल बोलते ने। तवज्जो करना मैं अपनी बात का आगाज करा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते अल्लाह पाक ने कुरान नाजल फरमाया। तवज्जो करना जरा अजीदा निमल आ मेरे मुसलमान वीरा रब दे नबी जग दे नबी
मेरे पाक पैगंबर आली सलाम मेरे आका आ मेरे आवीरा जिना जे आ दुनिया ते आया कोई नहीं ते रब ने इंज दा बनाया कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर दे कलबे अतहर ते कुरान आया कलब दा माना सीना मेरे कमली वाले नबी दे सीने ते कुरान आया और मालके कायनात ने कुरान अंदर ऐलान फरमाया कुरान दिया बोलियां आखिया वन नजमी इजा हवा मा जल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुहा। फरमाया हर बंदा अपनी मर्जी नाल बोलदा वे अज दा इमाम बोले अपनी मर्जी नाल बोलदा वे अज दा खतीब बोले अपनी मर्जी नाल बोलदा वे अज दा पीर बोले अपनी मर्जी नाल बोलदा वे अज दा खतीब बोले अपनी मर्जी नाल बोलदा है अज दा एमपीए बोले अपनी मर्जी नाल बोलदा है अज दा एमएनए बोले हर बंदा अपनी मर्जी नाल बोलदा है लेकिन अल्लाह कहिंदे ने कुरान अंदर फरमाया वा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुहा। अल्लाह कहिंदे ने मेरा नबी ओनी देर तक नहीं बोलदा जिन्नी देर तक मैं रब ना बुलावा और मैं कहना जिंदे लबायों ते रब बोलदा है सोना रहमत मोती लोलदा है जिंदा बोलना रब दा कुरान आया कायनात दा बन के इमाम आया। मेरे आवीरा अज दा मौजू ए होई है साडे पीर ने कदी झूठ नहीं बोलिया और यार असी अपनी अपनी जिंदगी वाल वेखिए ना जिस नबी दा असी कलमा पढ़िया है असी किन्नी को उस नबी दी गल मानने किन्ना को आका दा तरीका बनाने आका दे नक्शे कदम ते चलने। मेरे आवीरा तवज्जो करना जेड़ा बंदा झूठ बोलदा है रहमत वाला फरिश्ता ओदे कोलों दूर चला जांदा है और याद रखिया दे जेड़ा बंदा झूठ बोलदा है ओंदी शकल भी बिगड़ जांदी है ओंदी अकल भी बिगड़ जांदी है ओंदी नस्ल भी बिगड़ जांदी है। जेड़ा सच बोलदा है ओंदी शकल भी सही है ओंदी अकल भी सही है अगो ओंदी नस्ल भी सही आएगी। मेरे आका ते दुख आए ने चंगे माड़े दिन आउंदे रहंदे ने आका ते दुख आए ने ओ यार अज जरा जी तकलीफ आ जाए असी कारोबार अंदर झूठ बोलने कदम कदम ते झूठ बोलने ना ना मेरा वीर चंगे माड़े दिन आउंदे रहंदे ने इस जिंदगी का हिस्सा चंगे माड़े दिन आते ने व दिल कल अयास अल्लाह दिन फेर फेर के लिया कदी चंगे ते कदी मंदे आ मेरे आवीरा कदी गोश्त नाल रोटी खा ली है कदी दाल लभ गई है आ मेरे आवीरा चंगे माड़े दिन कोई दुध पीन नू लभदा नहीं ते किते कुत्तियां नू पिलाए जा रहे ने ए मर्जियां मेरे रब दियां ने किते खुशियां किते गमियां मैं तर्जमा इन कर दिया ना सारी दुनिया को जीए ना सारी दुनिया सोनी है ना सारे चेहरे हस देने ना हर एक सूरत रोनी है ओ वीरो पंड दुखांदी सिर ते चा जिस टोनी है उस टोनी पिया बंदा पावे कुछ करे जो होनी है सो होनी है किते गम्मा तो छुट्टी मिलदी नहीं ए दुनिया दा निजाम है चंगे माड़े दिन आ जांदे ने किते गम्मा तो छुट्टी मिलदी नहीं कई खुशियां दे विच अटे ने वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या
सोने नक्शे कटे ने है इको वल अंगूरां दी कुछ खट्टे ने कुछ मिठे ने हाथ लाया मैले होवल कई कई हुंदे तवे तो काले ने कई माड़े होए नसीबां दे कई बोते ही करमा वाले ने किते लस्सी पीनो मिलदी नहीं कईया कुत्ते दुधी पाले ने किते सोने सोना सोना है किते कन्ना बेचना वाले ने किते अगले डंग लई जुड़दी नहीं कई देंदे फिरदे छटे ने वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कटे ने किते जमन ते खुशियां हो रही ने किते उठ जना दे जा रहे ने इको गलीए इको बदारे एक घर दे अंदर एक नौजवान दीदी अज बरात ते दूसरे घर दे अंदर एक नौजवान जिन्हों ने हिलाया जा रहा है एक घर दे अंदर खुशियां ते दूसरे घर दे अंदर गमियां एक नु हार पहनाए जा रहे ने दूसरे की मैयत जिदे ते मट्टी पाई जा रही है ओ किते जमन ते खुशियां हो रही ने किते उठ जना दे जा रहे ने किते गाने सेहरे पे बजदे ने किते मैयत नू नहला रहे ने कई कुर्सियां ते चढ़ बैठे ने कई कदे ते चढ़ गए फटे ने हजरात चंगे माड़े दिन आउंदे रहंदे ने अल्लाह दे नाल शिकवे नहीं करने आ मेरे आवीरा तवज्जो करना जरा झूठ नहीं बोलना दिन जिवें दे मर्जी आ जावन खाना लब्बे या ना लब्बे अल्लाह दा शिकवा नहीं करना आ मेरे आवीरा मेरे नबी दी जिंदगी ने भी एहो ही दस्या वे फरमाया कदम कदम ते झूठ नहीं बोलना जदों भी जेड़ा काम है सच तुसा बोलना है अल्लाह कारोबार अंदर बरकतां अता कर देवनगे अल्लाह से अंदर अल्लाह माल जान अंदर बरकता अता कर देवनगे मेरे नबी दा एक गुलाम है आका दा फिदाकार है मेरे आका दी हर गल लिखदा है हजरत अब्दुल्ला नबी पाक दे हर गल लिखदे ने लिखदे आ एक दिन साहबा ने किया अब्दुल्ला नबी पाक दे हर गल ना लिखिया कर आका कदी खुशी अंदर हुंदे ने कदी गमी अंदर हुंदे ने हजरत अब्दुल्ला ने लिखना छड़ दिता वे कुछ दिनों तो बाद मेरे आका गल कर रहे ने आका दियां नजरां पैंदियां ने फरमाया अब्दुल्ला लिखदा क्यों नहीं हजरत अब्दुल्ला कहिंदे ने सोनिया मैनू सहाबा ने आखिया आका दे हर गल ना लिखिया कर आका कदी खुशी अंदर हुंदे ने कदी गमी अंदर हुंदे ने मेरे कमली वाले नबी ने आखिया अब्दुल्ला अज तो बाद तू मेरी हर लिखनी है मैं खुशी अंदर बोला गमी अंदर गल करा जेड़ा भी काम करा मैं हक बोलना वा या सच बोलना वा हक बोलना वा या सच बोलना वा हा मेरे अवीरा तवज्जो करना दरा हुन आका एक ऐसा काम करन लगे ने ओ काम मैं नहीं कर सकदा ओ काम अज दा खतीब अज दा इमाम ते एमपीए ते एमएनए ए काम नहीं कर सकदा ओ काम केड़ा है मेरे कमली वाले नबी ने हजरत अली अली रजी अल्लाह तआला नु बुलाया आखिया अली मेरे करीब बाना फिदा का उम्मी या रसूल अल्लाह सोनिया गुलाम आजर अरमाया अली मक्के वालियां दी दावत करो ना आपने भी आ गए ने बेगाने भी आ गए ने आका एक पहाड़ी ते चढ़ जांदे ने आका दे सामने आपने भी खड़े ने आका दे सामने बेगाने भी खड़े ने मेरे आका फरमांदे ने मक्के वाले ओ मैं तुहाडे अंदर
बचपन गुजर गया वे जवानी आ गई है बुढ़ापे की तरफ जा रहा वा ए ते दसो ना हल बचत तुमोनी स्वादी कल आओ का देवा ओ यार कदी असी अपनी जिंदगी वाल वेखिए ना ए गल असी नहीं कर सकते जिहड़ी गल मेरे कमली वाले नबी ने की सारे खड़े ने आका फरमाते ने फरमाया हल बचत तुमोनी स्वादी कल आओ का देवा मैं तुहाडे अंदर 40 साल गुजारे ने ए ते दसो ना मैनू सच्चा पाया जे के झूठा पाया जे ते इहदे अंदर आपने भी ने इहदे अंदर बेगाने भी ने मेरे कमली वाले नबी ने आखिया आखिया हल वजत तुमोनी सादी कल आओ काजी बाप मैं 40 साल गुजारे ने ए ते दसो ना सच पाया जे या झूठा पाया जे ए सारे अयक जुबान ना आंदे ने मां जर्रबना का इल्ला सिदकल करीमा फरमाया अब्दुल्ला दे बेटे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा तेनू सच्चा पाया है असा झूठा नहीं पाया सच्चा पाया है फिर आका ने दावत दी है फिर आपने भी बेगाने हो गए ने आका फरमाते ने अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं अल्लाह तो इलावा हज तरवा कोई नहीं जिन्हों की तुसी पूजा कर दे हो जिन्हों की तुसी इबादत कर दे हो ये कुछ नहीं कर सकते हर काम करने वाला मेरा अल्लाह है फिर कोई मेरे आका नू पत्थर मारन लग पिया किसे गंदियां ओजड़ियां सुठियां ने मेरे आका ते जुलम कीता वजह की है ला इलाहा इल्लल्लाह आका ने दीन दी खातर मारा खादियां ने ते असी अज नबी पाक दा अकीदा नहीं अपनांदे आका दे नक्शे कदम ते नहीं चलदे ओ यार मेरा पीर ए मेरा पीर वेखो कौन है मेरे आकाश माना ते गैन और अल्लाह दा कुरान इलान कर रहे आए फरमाया सुबहान लजी असरा बे अब्दे लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल लजी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर आकाश माना पे गए ने वाकिया मिराज नहीं सुनाना चाहता जिहड़ी गल मैं कर रहा साडे पीर ने अपनी जिंदगी कदी भी झूठ नहीं बोलिया मेरी अवीर आकाश माना पे गया ने आका फरमाते ने मैं जन्नत वेखीए जहन्नम वेखीए और मैं तर्जमा कर दिया अर्ज की जिबरील सोने नु आके चलो आका रब दा पैगाम आ गया है सवारी लई दरते पुराक आया ते वाका फरन लई गुलाम आ गया है आकाश माना ते गैने नबी पाक फरमाते ने मैं जन्नत वेखीए जहन्नम वेखीए नबिया नाल मुलाकात होईया ने पंज नमाजा का तोहफा मिलिया पंजां दा मिलिया रह पंज गईया मैं दुआ करना वा अल्लाह सानू पंज वक्त दा नमाजी बना दे अल्लाह पांच वक्त की नमाज पढ़न की तौफीक अता कर दे तवज्जो करना चंद मिनट जिन्हें पहले गुफ्तगु ते तवज्जो नहीं की आखिरी बातें तवज्जो करना आका फरमाते ने मैं सैर की मैं वापस आने लगना वा आका परेशान हो जाते ने आका परेशान होए ने हजरत जिबरील जिबरील रज़ी अल्लाह हजरत जिबरील आते ने सोने परेशान क्यों आका फरमाते ने 3500 साल दवाया है एक रात नहीं अद्धी रात नहीं रात दे कुछ से अंदर मैं आसमाना ते आया वा ते जाके मैं गल सुनावांगा वाकिया मिराज सुनावांगा ते कौन है जिड़ा कवेगा मुहम्मद सच बोल रहा वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिबरील आंदे ने अल्लाह सोने अब तेरा नबी परेशान है अल्लाह कहंदे ने सोने नू कह दे सोनिया घबराण दी लोड़ नहीं आसमाना ते बुला
सकना वा। अबू जाल दी मुट्ठी चो कंकर बोल सकदे ने, सोनिया अद्धी रात नहीं रात दे कुछ हिस्से अंदर आसमान दी सैर करवा सकना वा, सोनिया दरखत चला सकना वा, तेरिया गवाइया भी दुआ सकना वा। अमीरे अवीरा आका वापस आए ने दिन चढ़िया, अबू जाल जाला दा प्यो अबू जाल बेईमान मिलिया, आ गया ऐ मोहम्मद। फिर कहो सल्लल्लाहु नबी पाक दी जात दरूद पढ़िया करो, साडा पीर ही इंज दा है, मैं तुहाडा सीना ठार दिया, उन्हां पीरां वांगू नहीं जेड़ा पीर अज गद्दी ते बैठा, ए पीर नाल एक मुरीद नहीं हक अदा कर रही वफा दा, अज दे पीरां वांगू नहीं, इधर पीर गद्दी ते बैठा होवे नाल मुरीद नहीं नच रही है टप रही है, इधर ढोल डम डम कर रहे ने, इस मुरीदनी नू पता कोई नहीं अपनी गैरत दा, इस मुरीदनी नू पता कोई नहीं अपने दुपट्टे दा, ए तो नच नच के पीर नाल वफा दा हक अदा हो रहा है, इनू अपने दुपट्टे दा नहीं पता, नचदे आ टपदे आ इहदा दुपट्टा पैरां च आ गया, उम्मते मुहम्मदिया दी औरत इधर पीर बैठा गद्दी ते, एवें दे पीर साडे पीर नहीं, मेरा पीर कौन है जिन्हां दा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तर्जमा कर दिया, सोना आमीना दा लाल बड़ा साहबे जमाल कौन मिले ओंदे ना। फिर को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह दा माना पता की है, अल्लाह पाक की माना है बोलो, अल्लाह पाक है, तुसा एक बरा दो बरा सौ बरा कहना अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, ते अल्लाह ने कहना जाओ इत्थे प्रोग्राम जान वाले हो, मैनू बार बार पाक कहन वाले हो, अज तो तुसी भी गुनावां तो दुनिया भी सीधी आखिर भी सीधी। और कारी मोहम्मद यासिन बलोच साहब आंदे ने, जेड़ा बंदा एक बारा सुभान अल्लाह कहिंदा है अल्लाह ओदे नां दा जन्नत अंदर ताजियां खजूरां दा दरख्त ला दे, और अपनी जबानी आंदे ने खजूर दुध नालो चिट्टी हो सी ते शहद नालो मिठी हो सी ते मक्खन नालो नरम हो सी ते जुबान ते रक्सो ते ढिड विच इंज जा सी जिवें मोटरवे तो डैव। और मैं तुहाडा सीना ठार दिया, मैनू भाई ने कहा सी उहनां दे अंदाज अंदर कुरान दी आ सुनाओ, सुना दे हां बोल दे कोई नहीं है, मैं पहली बार मजमा वेख्या, बोलिया करो ये जन्नत अंदर दरख्त लगते हैं। और कारी साहब ने कुरान पढ़ना सेम तो बंदा पढ़ नहीं सकता, लेकिन तुहानू मैं सुना दे, आंदे ने सोने नबी ने फरमाया वमा अरसल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमी, सुभान अल्लाह मैं ना किसी तरीके तुसी बोल पाओ। और फरमाते ने सहाबी दौड़िया दौड़िया आया, आ के आंदा है सोने नबी जी अल्लाह ने मेरे नबी दे सीने ते कुरान नाजिल फरमाया, फरमाया इन्नमा वायु तहिरा कुम तहिरा, जेडे आंदे ने साडे पीर आंदे ने इबादत करनी छड्ड दिओ सी कियामत वाले दिन तुहाडी सिफारिश करांगे, लेकिन नहीं उत्थे पीरां वी काम आउणा नहीं आना, दिन हशर नु सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नु मना लेना, दिन हशर नु सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नु मना लेना, जदों कुल नबिया ने ना करनी है उत्थे साडे पीर ने हां करनी है, साडे वरगिया गुनागारा नूं सुन घुट के सीने ला लैणा, दिन हशर नूं सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नूं मना लैणा, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद। तवज्जो करो, साडे नबी ने कदी झूठ
बोलो साढ़े नबी ने कभी झूठ नहीं बोलिया। वेखो तुहाडा इमाम ताजा होएगा। आकांदे ने अल्लाह कौन गवाहियां देगा? अल्लाह कहंदे ने सुनिया तेरियां सब तो पहला अगर कोई गवाहियां देगा यू सद्दीक का अबू बकर वाहुआ सिद्दीक। सुनिया सब तो पहला गवाहियां कौन देवेगा? अबू बकर सिद्दीक देवेगा। तवज्जो करना जरा, एक बारी दुरूद पढ़ो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजा ने मन आ मेरा मुसलमान वीरा आका वापस आए ने दिन चढ़िया अबू जाल मिलिया आके आंदा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नवी ताजी गल सुना दे। आका फरमाते ने मैं रात दे कुछ हिस्से अंदर आसमाना दी सैर करके आया वा, क्या मन लवेगा? अबू जाल हसन लग पिया आंदा फिर गल सुना ना। आका ने सुनाई ये हसन लग पिया आंदा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुछ बंदे लेके आवा एक गल दोबारा सुनाएगा। आका फरमाते ने तू जिन्नी मर्जी वारा क्योंकि मुहम्मद ने कदी झूठ मुहम्मद ने कदी झूठ नहीं बोलिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बंदे लेके आया आका ने गल दोबारा सुना दी आंदा गल अंदर फर्क कोई नहीं हुण उंदे बूए ते जा रहे आवे आंदा मैं अबू बकर नू जाके गल सुनाना वा इहदी यारी टुट जाएगी। मैं कहना चवले जिहड़ी यारी रब ने कुरान अंदर जोड़ी होवे ओ कोई भी तोड़ सकदा ओ कोई नहीं तोड़ सकदा। इहने जाके दरवाजा खड़काया क्या किया अबू बकर दा दरवाजा खड़काया मन दकल बाब कौन कौन दरवाजे ते आन वाला। आखिया अबू बकर मैं अबू जाल आया वा एक गल करनी चाहना वा। हजरत अबू बकर आंदे ने गल केड़ी है? तवज्जो करना तुहाडा इमाम ताजा होएगा। हजरत अबू बकर कहिंदे ने केड़ियां गल्लां करनियां चाहना है? आंदा ए ते दस ना अबू बकर जमीन तो आसमान दा किन्ना वाया है? हजरत अबू बकर कहिंदे ने 500 साल दा किन्ने साल 500 साल दा आंदा पहले आसमान तो दूसरे दा 500 साल दा दूसरे तो तीसरे दा 500 साल दा सत आसमान ने 3500 साल दा वाया है। अबू जाल कहिंदा अबू बकर जे तेनों कोई बंदा कवे मैं रात दे कुछ हिस्से अंदर आसमाना दी सैर करके आया वा क्या मन लवेगा? वाह अबू बकर मैं तेरे जवाब तो सदके जावा सोने दे पानी नाल भी लिखा हक अदा नहीं हुंदा। आखिया अबू बकर मन लवेगा ये 3500 साल दा वाया है जे तेनू कोई कवे मैं रात दे कुछ हिस्से अंदर आसमाना दी सैर करके आया वा। हजरत अबू बकर ने जवाब दिता हुण तुसा सुभान अल्लाह कहनी इमाम ताजा होएगा। अबू जाल ने इनी गल कीती है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो आंदे ने अबू जाल तू गल कर ली हुण मेरा जवाब सुनना तू आना 3500 साल दावाया है क्या तू मन लवेगा? सुन जवाब सिद्दीक दा आखिया गल सुनना जे तेनू किसे आम बंदे ने किया उंदे तो वध के झूठा कोई नहीं जे आमीना दे लाल ने किया उंदे तो वध के सच्चा कोई नहीं जे आमीना दे लाल ने किया उंदे तो वध के सच्चा कोई नहीं। आ मेरे अवीरा तवज्जो करना ए जलील होया ते वापस चला गया बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाह अलैह ने माशाल्लाह खतीबे पाकिस्तान हजरत मौलाना हाफिज इनामुर रहमान मुहम्मदी साहब तशरीफ लाए ने और शायर इस्लाम हाफिज उमैर मुहम्मदी साहब तशरीफ लाए ने। तवज्जो करना इन्हां गल्लां दा जवाब बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाह अलैह ने इंज कीता ए शर्मिंदा होके टुर गया। और बाबा जी पता की आंदे ने अबू बकर के आ अबू जाल ताई आखिरी जुमले हजरत अबू बकर दा जवाब सुनो अबू जाल नू शर्मिंदा होके टुर गया आखिया जे तेनू किसे आम बंदे ने किया ओंदे तो वध के झूठा कोई नहीं जे आमीना दे लाल ने किया ओंदे तो वध के सच्चा कोई नहीं। और बाबा जी आंदे ने अबू बकर के आ अबू जाल ताई तू परखलना है दीन ईमान मेरा मेरे नबी कदी भी झूठ बोलिया नहीं एहो मजहब एहो इस्लाम मेरा।
और भाइयों ने हजरत अबू बकर दी शान अंदर एक छोटा जि जुमले तुम सुना के मैं अपनी बात खत्म करा। कौन अबू बकर? हजरत अबू बकर आंदे ने हर जगह मैं नबी पाक दे नाल हुन्ना, सफर अंदर जिथे भी जाना एडिया वड्डिया शहरा कर आए ने मैनू पता ही कोई नहीं। इधर हजरत अबू बकर टुरे नबी पाक मस्जिद नबवी अंदर बैठे ने, आके अंदर सोने एक गल करनी चाहना। आका फरमाते ने खामोश हो जा। फिर आखिया सोने गल करनी चाहना। फरमाया अबू बकर जेड़िया तू करन आया तेरे तो पहला मैनू सारी गल जबरील सुना गया, तेनू पता कोई नहीं लेकिन तू मेरे हक के अंदर गवाही दी है। अगे अबू बकर से अल्लाह ने अबू बकर तो अबू बकर सिद्दीक बना दिता है। और कौन हजरत अबू बकर? वो है गार का रफीक मदार का रफीक अबू बकर सिद्दीक। तू ही भी कुछ दे दे, मैं लगता है इन्ना ही ठेका चुके आज। अल्लाह तुहानू सारे नूं ही तौफीक दे। तवज्जो करना जरा। वो है गार का रफी, मैनूं लगदा जपान कराया हजार दा। अल्लाह इस भाई की उम्र अंदर बरकत अता फरमाए। तुसां सुनिया होना चौधरी आसफ अली रहमानी साहब, मैं ना कोई मौलवी नहीं जिहड़ा इन्हां नूं जानदा नहीं, बड़ी उलमा समुंदरी का पावा इन्ना इन्नी उलमा इकराम नाल मुहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हां नूं सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह तुहानूं सारिआं नूं सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। वो है गार का रफीक मदार का रफीक अबू बकर सिद्दीक। वो है गार का रफीक मदार का रफीक अबू बकर सिद्दीक। चाहे दिन हो या रात वो है आका जी के साथ दुख सुख में शरीक अबू बकर सिद्दीक। और कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक? हुजूर पुर नूर का वो अव्वल दीवाना था, हुजूर पुर नूर का वो अव्वल दीवाना था। दीवाना भी था मस्ताना बड़ा परवाना था। करे कोई गुस्ताखी देता किसी को ना माफी, करे कोई गुस्ताखी देता किसी को ना माफी। वो है सबसे शफीक अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर नाल जिसदा रजू चंगा कोई नहीं, कसम खुदा दी उसदा लहू चंगा कोई नहीं। जो नामे अबू बकर तो बूथा वटावे या बंदा गलत है या प्यो चंगा कोई नहीं। अल्लाह पाक सानू नबी पाक दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अता फरमाए और जो कुछ बयान होया अल्लाह सुन के उन्दे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सानू सारी जिंदगी हक सच बोलन दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।